अभ्यर्थियों का जो विरोध है, आंदोलन है, वो लोकतांत्रिक है और जायज है। तीनों पालियों की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। समय से रिक्तियां दीजिए, समय से एग्जामिनेशन लीजिए, समय से रिजल्ट दीजिए और ज्वाइनिंग कराइए। इसका कोई समय सीमा होगा कि नहीं? कितने बच्चे तबाह हो गए, कितने बच्चे सुसाइड कर लिए। तो नौजवानों को तंग तबाह करना, उनके सपनों को तोड़ना, उन पर लाठी चार्ज करना, ये किसी सरकार का काम नहीं होता है। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होता है तो उसके प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, उन छात्रों पर क्या गुजरता होगा? एसएससी सीजीएल 3 परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर कल लगातार पटना की सड़कों पर बीएसएससी के तमाम अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ। अभ्यर्थी लगातार यह मांग कर रहे हैं कि बीएसएससी का जिस तरीके से परीक्षा हुआ है, उसके तीनों पालियों की जो पेपर है वो रद्द कर देनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं रद्द अभी तक पेपर नहीं हुआ है, जिसको देखते हुए लगातार अभ्यर्थी जो है आक्रोशित है। हमारे साथ बात करने के लिए सीपीआईएमएल से अगियाओं विधायक मनोज मंजिल हैं, बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं जिस तरीके से अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे? बीएसएससी अभ्यर्थियों का जो विरोध है, आंदोलन है, वो लोकतांत्रिक है और जायज है। तीनों पालियों की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। हमने तो विधानसभा में सवाल उठाया था कि सरकार बहाली कैलेंडर जारी करे, समय से रिक्तियां दीजिए, समय से एग्जामिनेशन लीजिए, समय से रिजल्ट दीजिए और ज्वाइनिंग कराइए। इसका कोई समय सीमा होगा कि नहीं? इसके लिए बिहार में अलग से कानून बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये लागू नहीं है। आप बीएसएससी देख लीजिए, 8 साल पे आप ज्वाइनिंग कराए, कितने बच्चे तबाह हो गए, कितने बच्चे सुसाइड कर लिए। तो नौजवानों को तंग तबाह करना, उनके सपनों को तोड़ना, उन पर लाठी चार्ज करना, ये किसी सरकार का काम नहीं होता है। इसलिए भाकपा माले आरवाईए का स्पष्ट डिमांड है, ये जो लाठी चार्ज हुआ है इसकी तीखी निंदा करता हूँ और तीनों पालियों की परीक्षा रद्द करने की सरकार से मांग करता हूँ और लाठी चार्ज के दोषियों अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग करता हूँ। ये बिहार में क्या हो रहा है? दशकों से कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होता है तो उसके प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, उन छात्रों पर क्या गुजरता होगा? जो छात्र रात दिन मेहनत करते हैं, जो छात्र सपना संजो करके रखते हैं कि हमारी नौकरी मिलेगी तो हम एक बेहतर हमारा जीवन होगा, उनके सपनों के साथ उनका परिवार और समाज का सपना जुड़ा रहता है, और आप ऊपर से लाठी चार्ज कर रहे हैं। प्रश्न पत्र लीक हुआ ये सरकार मान रही है, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जाहिर सी बात है कि इंसाफ के लिए और परीक्षाओं को रद्द करने के लिए जो आवाज़ उठ रही है वो आवाज़ जायज है, वो आवाज डेमोक्रेटिक है। तो उस आवाज और आंदोलन को सरकार को सम्मान करना चाहिए, मंत्रियों को जाकर के मिलना चाहिए, न कि लाठी चार्ज करना चाहिए। देखा जाए तो 2014 में जो एग्जाम हुआ था उसका भी बीएसएससी का पेपर लीक हुआ था, कुछ दिन पहले बीपीएससी का हुआ था उसमें भी पेपर लीक हुआ था। आखिर क्या ये क्या हो रहा है? बीएसएससी के परीक्षा लीक हो जाएंगे, बीपीएससी के प्रश्न पत्र लीक हो जाएंगे। अरे कोई तो कंपटीशन बिहार में साफ सुथरा और पारदर्शी तरीके से हो, जिसकी सरकार गारंटी कर सके कि उसका प्रश्न पत्र लीक नहीं हो। ये धंधा चल रहा है, प्रश्न पत्र लीक का धंधा चल रहा है, और फिर लटकाएंगे, फंसाएंगे। एक ज्वाइनिंग कराने में ये 10 साल 5 साल 8 साल ये सरकार लगा रही है, लग रहा है कि यही नियम हो गया है। ये बिल्कुल ये अन्याय है, ये बिल्कुल ये सत्ता की हनक है। अंतिम में एक सवाल रहेगा आपसे, जिस तरीके से आप भी महागठबंधन के बिल्कुल बिल्कुल दल से आते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभ्यर्थी लगातार मांग करे जा सके, उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या कुछ मांग कीजिएगा? यानी हम लोग तो सीएम साहब से मिलेंगे और सबसे पहले हम लोगों का माले का स्टैंड है कि कोई भी आंदोलन होता है, खास करके छात्र युवाओं का शिक्षा रोजगार को लेकर के कोई जन आंदोलन करता है, तो जा कर के मंत्रियों को सीधे फिजिकली वहाँ जा कर के मीट करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए, सहानुभूति पूर्वक सेंसिटिविटी के साथ उनकी बातों को सुनना चाहिए, नहीं तो लाठी चार्ज करेंगे। ये तो गलत है, ये लोकतांत्रिक अधिकारों पर, ये संवैधानिक अधिकारों पर, लोकतांत्रिक आकांक्षाओं पर ये अटैक है। इसको हम लोग किसी भी तरीके से हम लोग मंजूर करने के लिए तैयार नहीं है।
देखिए, तो बीएसएससी के अभ्यर्थियों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, इसको लेकर मनोज मंजिल ने यहाँ साफ कहा है कि हम इसकी निंदा करते हैं। नीतीश कुमार को जो है अभ्यर्थियों की मांग पूरी करनी चाहिए, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हम मिलेंगे और तीनों पालियों के पेपर कैंसिल करने की मांग करेंगे। तो वहीं अभ्यर्थियों को जिस तरीके से पिटा गया, इसको लेकर तमाम बातें कह रहे थे अज्ञाओं विधायक मनोज मंजिल। आपने सुना है तमाम प्रतिक्रिया, क्या कुछ कहते हैं और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी जैक साथ अभिषेक की रिपोर्ट।